बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि सर्दियों में हार्ट अटैक की संभावनाएं मॉर्निंग में ज़्यादा होती हैं या इवनिंग में ज़्यादा होती हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर अंशुल गुप्ता, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की संभावनाएँ होती हैं वो मॉर्निंग्स में ज़्यादा होती हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हमारी बॉडी इन सर्दियों में गिरते हुए टेम्परेचर के कारण काफ़ी सारी एडेप्टेशंस लाती है अपने अंदर। तो ये चेंजेस हमारे हर लेवल पे होते हैं, वो हार्ट में होते हैं, वो ब्लड वेसल्स में होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स में होते हैं। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर गिरता है, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स, सुबह का जो टाइम है वहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, ऐसे टाइम में बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी के हर ऑर्गन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के ऊपर। हम जानते हैं कि इन सर्दियों के कारण हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ की नसें सिकुड़ जाती हैं। अब ये सिकुड़ी हुई नसों के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे हार्ट को इन सिकुड़ी हुई नसों में ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड है वो सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अक्सर सर्दियों में बढ़ जाते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक और जहां हम अपना फूड, हमारा जो भोजन है उसमें काफ़ी हद तक हम ऑयली फूड्स इंक्लूड कर देते हैं, पराठे, नॉन वेज, बहुत सारी चीज़ें जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक्सरसाइज काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी टाइम तो इनडोर ही स्पेंड करते हैं, बाहर नहीं निकलते, हमारी वॉक वगैरह सब कुछ अफेक्ट होता है सर्दियों के कारण। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं, उनका लेवल देखा गया है कि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो सर्दी खांसी बुखार वगैरह काफ़ी हैं, ये सारी चीज़ें भी आने पर बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। ये स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम में होती है, मॉर्निंग में हमारे हार्ट को ज़्यादा रिस्क हो जाती है। तो मैं बस यही कहूँगा, योर हार्ट रिक्वायर्स मोर केयर ड्यूरिंग विंटर्स।